नमक अपने हाथ पर रखकर इस वजीफे को पढ़ना है जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो में आप भाइयों को तफसील से बताऊंगा कि अमल को क्या करना है, कब करना है, किस टाइम करना है। एक बार इस अमल को करने बाद जिस भी शख्स से जिस भी मतलूब को आप चाहें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, अपने लिए तड़पा सकते हैं, उसे अपनी हर बात मनवाने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं। इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। इस अमल को करने के बाद आप किसी भी शख्स को अपने हाथ की उंगलियों पर नचा सकते हैं, उसके दिल में मोहब्बत की शिद्दत पैदा कर सकते हैं। जैसे आप चाहें हर बात आपकी मानने पर मजबूर हो। दोस्तों, इतना खास और मुजरब अमल है, जो भी शख्स एक बार इस अमल को करता है अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से 100% फ़ायदा होता है। इस अमल के कोई भी शराइत नहीं है और ना इस अमल की कोई भी ज़कात है। आपने इस अमल को जुम्मे के दिन करना है। इस अमल का दिन जुमे के दिन मुकर्रर है। आप इस अमल को सिर्फ जुम्मा के दिन ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने अमल कैसे करना है, किस टाइम करना है। दोस्तों, ये अमल में करना ये है कि थोड़ा सा नमक बर्तन में लेकर आपने अपने सामने रख लेना है और अमल को आपने जुम्मे की नमाज से फारिग होके तब करना है। तो आपने काबा शरीफ की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। आपने नमक अपने हाथ पर रख देना है, जैसे कि दाएँ हाथ में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आपने दाएँ हाथ पर अपना नमक जो है ना रख लेना है। सबसे पहले आपने 21-21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 21-21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने एक लफ्ज़ के वजीफे को, आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस वजीफे को आपने 511 मरतबा पढ़ना है। अलवदूद अलवदूद अलवदूद। इस वजीफे को 511 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपने 21 मरतबा महबूब का नाम लेना है, सिर्फ महबूब का नाम लेना है, और 21 मरतबा अपना नाम लेना है, और आखिर में 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और इस नमक के ऊपर आपने दम कर देना है। उसके बाद आपने इस नमक को संभाल कर रख लेना है। आपने थोड़ा थोड़ा करके किसी भी खाने वाली चीज़ में मिक्स करके महबूब को खिला देना है। याद रहे, 3 मरतबा खिलाना है। आप चाहे तो एक ही दिन में 3 मरतबा खिला सकते हैं, चाहे तो तीन दिन में आप एक एक दफ़ा करके खिला सकते हैं, लेकिन एक दिन में अगर आपको मौका मिले तो एक दिन में आप खिला सकते हैं। एक बात का ख्याल रहे कि इस नमक को 3 दिन से ज़्यादा आपने नहीं रखना, 3 दिन में इसको ख़त्म कर देना है। मेरे भाइयों, आपने इतना ही करना है। उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि महबूब आपके लिए तड़पने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसके दिल में आपकी मोहब्बत की शिद्दत पैदा होगी। वो ख़ुद आपसे मोहब्बत की भीख मांगेगा, आपसे राब्ता करने पर मजबूर होगा, आपके लिए तरसेगा। जैसे आप चाहेंगे उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, अपनी हर बात मनवा सकते हैं। उम्मीद है कि आप भाइयों को इस वीडियो से फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगा खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।